तो एवरीवन, अभी जो रिक्वायरमेंट का आपके साथ में डिटेलिंग शेयर करेंगे, देखिए जियो मार्ट में रिक्वायरमेंट आया हुआ है और बहुत दिनों के बाद जियो मार्ट कंपनी में रिक्वायरमेंट आया है कोलकाता लोकेशंस के लिए। डेफिनेटली आप इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि यहां पर देखिए रिक्वायरमेंट आया हुआ है, तो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो मार्ट में रिक्वायरमेंट है, उसी को हम शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर वैकेंसीज बहुत अच्छा खासा है, 9 घंटे की ड्यूटी है, सैलरी भी अच्छी है। डेफिनेटली आप इस वीडियो को पूरा देखना सबसे पहली बात। और देखिए कॉन्टेक्ट नंबर क्या है एक्चुअल में, कि हम वीडियो के स्क्रीन पे दे देते हैं कि कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर लेना, या फिर सेकेंड थिंग आपके पास में ऑप्शन ये होता है कि आप वेबसाइट पे विजिट कर लेना, जो चैनल का नाम है रोजगार ब्लू माया, उसके आगे .com लगा के जाना, वेबसाइट पे विजिट कर लेना, वहां पर जॉब्स पोस्ट होते रहते हैं। सो चलिए यहां पर जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में डिटेल्स शेयर करते हैं। ये जो जॉब्स है जियो मार्ट वेयर हाउस कंपनी जॉब्स इन कोलकाता लोकेशन। सो वर्क प्रोफाइल होगा पैकिंग, पिकिंग, स्कैनिंग, रैकिंग, सॉर्टिंग। देखिए एक वेयर हाउस कंपनी में आपको भी पता है जो पोस्ट होते हैं वो ज़्यादातर पैकिंग पिकिंग ही होता है, वेयर हाउस हेल्पर का होता है। इट्स मीन कि वेयर हाउस हेल्पर के पोस्ट पे आपको काम करने होते हैं। ड्यूटी 9 घंटे की शिफ्टिंग है, ओवर टाइम फैसिलिटीज़ इसमें नहीं बताया गया कि 9 घंटे के बाद भी ओटी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये कंपनी ने नहीं बताया, तो हम आपके साथ में शेयर नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज कि अगर कंपनी बताती कि हाँ 9 घंटे के बाद ओवर टाइम मिल रहा है तो डेफिनेटली हम आपके साथ में शेयर करते। सैलरी इसमें अच्छे है, क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास रिक्वायर्ड है, 10th पास इज मिनिमम क्वालिफिकेशन। देखिए क्या है कि पहले ये कंपनी हायर करती थी बिलो 10th पास कैंडिडेट को, जस्ट कि यहाँ पर अभी रिक्रूट कर रही है, बिलो 10th पास कैंडिडेट ले ही नहीं रही है, 10th पास कैंडिडेट मिनिमम एप्लीकेबल है, तो 10th पास मिनिमम होना चाहिए। लोकेशन दानकुनी कोलकाता लोकेशन में ये जॉब्स होना चाहिए। एज लिमिटेशन मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 37 ईयर्स। देखिए जो एज का क्राइटेरिया होता है ना वो बहुत ही ज्यादा कंपलसरी कर दिया गया है, एज का क्राइटेरिया आपका कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपका कंपलसरी है यू कैन डू इट, आप इजिली कर पाएंगे। सो यहां पर मैं बात कर लूं फैसिलिटीज में, तो देखिए फैसिलिटीज में कुछ नेगेटिविटीज पॉइंट भी है, एटलीस्ट कि लोकल कैंडिडेट परफियर्ड है, बट क्या है कि नो अकोमोडेशन, मतलब रहने की सुविधा आपको नहीं है, फूडिंग की सुविधा आपको नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंपनी जाना है, कंपनी में काम करने है, बदले में आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी क्या होगा, 11,000 रुपए होंगे 9 घंटे ड्यूटी के, और प्लस आपका PF है, ESI है, बोनस है, प्लस में रहेगा, ठीक है ना। सैलरी इंक्रीज करेगा आफ्टर देन 6 to 9 months योर सैलरी विल बी इंक्रीज, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि आपको जाते ही स्टार्टिंग से ही सैलरी बढ़ने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए मैं आपको जो बताता हूं ना ऑथेंटिकली बताता हूं कि सैलरी बहुत ही अच्छा खासा है, इंक्रीजमेंट होता है। एंड आपको जॉब चाहिए तो आप वीडियो के स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया उस पर कॉल करके बात कर लीजिए, या फिर ये जॉब नहीं चाहिए एटलीस्ट दूसरे जॉब को फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, वेबसाइट पे विजिट कर लेना rozgarblumaya.com पे, उस पर विजिट कर लेना, उस पर बहुत सारे के जॉब्स आते रहते हैं कोलकाता लोकेशंस में, जो आपका एजुकेशन है उसके हिसाब से जॉब पोस्ट होता रहता है, जो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आया था, कंपनी ब्रांड है, एटलीस्ट सैलरी भी अच्छी है, ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा है, सिर्फ फैसिलिटीज़ में थोड़ा लोअर पॉइंटेड है जो दिया गया था। तो लोकल कैंडिडेट प्रेफर्ड है और आप इसको इस काम को करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।